हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मेसोन। गणेश चतुर्थी आने वाली है। गणेश भगवान जी को लड्डू और मोदक दोनों ही बहुत पसंद आते हैं, तो आज मैं वो आपके लिए वही रेसिपी लेकर आई हूँ, बेसन मलाई लड्डू, जो आपके दानेदार बनेंगे बिल्कुल हलवाई की तरह। अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो दानेदार ही बनेंगे। चलिए फिर लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं एक कढ़ाई में 2 स्पून देसी घी लूँगी, उसमें मैं थोड़ी सी बादाम और काजू डालकर उन्हें रोस्ट कर लूँगी। अब बादाम और काजू रोस्ट हो चुके हैं, इसे मैं अलग से एक कटोरी में निकाल के रख लूँगी। अब उसी कढ़ाई में मैंने 3 से 4 स्पून जो है वो देसी घी लिया है, और इसमें मैं 250 ग्राम बेसन ले रही हूँ, जिसे मैं धीरे धीरे डालते हुए रोस्ट करूँगी। बेसन को आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, और इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। खुशबू के साथ साथ इसका जो है वो कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए, बेसन का कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही है। इसे हम बड़े से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैं 3 बड़े चम्मच जो है वो देसी घी लूँगी, और उसमें 125 ग्राम मैं सूजी डालूँगी, उसे भी मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी जब तक उसमें से खुशबू ना आने लगे। अब सूजी में से अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। इसे भी मैं बेसन वाले बाउल में ही ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किया था उसे हम दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, आपको दरदरा पीसना है। ये देखिए, बस इतना ही आपको उसे पीसना है। अब इसे भी हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने सूजी और बेसन को डाला है। ये मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, जितना बेसन लिया था उतनी ही चीनी ली है। ये एक परफेक्ट जो मिठास आ जाएगी आपके लड्डू में। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका मैं फाइन पाउडर बना लिया है। अब इसे भी मैं उसे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। हमारा मिक्सचर हल्का सा गर्म है, बस इसी वक्त पर आपने जो है शुगर पाउडर इसमें ट्रांसफ़र करके उसे मिक्स करना है। इस मिक्सचर में मैं 2 से 3 टेबलस्पून मलाई डालूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मिक्सचर पाइंट होना शुरू हो गया है। अब इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करते जाना है, तो आपके गोल गोल लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से आपने सारे लड्डू बना लेने हैं। अब हमारे बेसन मलाई लड्डू बनकर रेडी हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।